इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभी रोक करेंगे सिटी 60 का। देश में लगातार बढ़ती जा रही कोरोना संक्रमितों की संख्या, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 86,000 के पार, अब तक 2,753 मरीजों की मौत। लॉकडाउन 4 में अर्थव्यवस्था की सेहत पर भी जोर, ग्रीन जोन में इंडस्ट्री को मिल सकती है मंजूरी, श्रमिक ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के साथ चुनिंदा रूट पर उड़ाने भी संभव। लिपुलेख में सड़क को लेकर नेपाल को भड़काने के पीछे चीन, आर्मी चीफ ने इशारों में बताया जिम्मेदार, कहा नेपाल किसी और के कहने पर उठा रहा सवाल। यूपी के औरैया में ट्रकों की टक्कर में 24 मजदूरों की मौत, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, यूपी सरकार ने किया 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। 24 मजदूरों की मौत पर अखिलेश ने कहा हादसा नहीं ये हत्या है, मायावती का भी वार, यूपी सरकार ने 2 एसएचओ सस्पेंड किए, ट्रक मालिक पर हत्या का केस दर्ज। आर्थिक पैकेज को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर वार, कहा किसान को कर्ज की नहीं पैसों की है जरूरत, विदेश को देखकर ना करें बात। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं 12वीं की बची हुई परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान, थोड़ी देर में रिलीज होगी डेटशीट, 1 से 15 जुलाई के बीच होगी परीक्षा। लॉकडाउन 4 पर केजरीवाल की पीएम मोदी को सुझावों की लिस्ट, सरकारी और जरूरी सेवाओं में लगे लोगों के लिए मेट्रो चलाने की मांग, कहा मॉल और सलून बंद ही रखे जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को नए गाइडलाइंस जारी किए, पीपीई किट को लेकर सावधानियां बरतने के नए दिशा निर्देश, सावधानी के कई नए प्रावधान शामिल। राजस्थान में 4,924 पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, आज सामने आए 177 नए मामले, जयपुर में आज 122 नए पॉजिटिव। रेड जोन से ग्रीन जोन में पहुंचे भीलवाड़ा के लिए प्रवासियों से ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, कोरोना मॉडल बनकर उभरे भीलवाड़ा में 6 नए पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। कोटा में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग तंबाकू उत्पाद की बिक्री करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम ने शहर के अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के चालान काटे। बारा के आबकारी विभाग ने मोतीपुरा इलाके में एक रेस्तरां पर दबिश देकर भारी मात्रा में शराब जब्त की, साथ ही पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, होटल संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज। बारा के हरनावदा शाहजी कस्बे में युवक के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद कस्बे में हड़कंप मच गया, प्रशासन और पुलिस इलाके को बंद करा चुकी है, साथ ही पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके साथ ही इलाके को जीरो मोबिलिटी इलाका घोषित किया गया। प्रवासी मजदूर बसों और ट्रेनों के बजाय ट्रकों से अपने घर जा रहे हैं, मजदूरों से दलाल उन्हें अपने घर भेजने के नाम पर लूट रहे हैं, जयपुर में घाट की गुनी के पास बीती रात प्रवासी मजदूर बैठे हुए थे, ट्रक वाले इनसे सौदा कर इन्हें घर ले जा रहे थे। जयपुर में 4 दीवारी के भीतर कर्फ्यू के बीच भी कोरोना फैलने का दौर लगातार जारी है, परकोटे के कर्फ्यूग्रस्त इलाके में अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आने जाने की इजाजत। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ते प्रवासी मजदूरों के पलायन को देखते हुए बीती रात संभागीय आयुक्त केसी वर्मा ने राजमार्ग का दौरा किया, इस दौरान राजा धोक टोल प्लाजा और करोता स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में ठहरे मजदूरों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं को देखा। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है कि कोई भी श्रमिक जी पैदल सड़क पर नहीं जाए, जो तकलीफ है कि मजदूर कोई इतना पैदल इतनी दूर पैदल जा रहा है वो नहीं जाना चाहिए, सरकार की प्राथमिकता है कि उनको बसों के द्वारा उनके गंतव्य तक पहुँचा जी। तो आज जैसे ही मैंने पेट्रोलिंग किया है यहाँ से आगरा रोड पे जी, यहाँ जो राजा धोक टोल है वहाँ तक जाके आया हूँ जी, जी। रास्ते में खासा कोठी पे कुछ लोग मिले उनको बस में बैठाया जी, अब गणपति प्लाजा में कुछ लोग मिले उनको बस में बैठाया जी, घाटी गुणी के बाद जो खून आग्रह तिराया है वहाँ काफी लोग मिले, उनसे बातचीत की, उनको समझाइश की। नागौर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, दूसरे प्रदेशों से लौटे प्रवासियों के लौटने से कोरोना ग्राफ बढ़ा है, जो इलाके अभी तक ग्रीन जोन हुआ करते थे प्रवासियों के लौटने से हालत वहां खराब है, लाटू में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। कोटा जिला वक्फ बोर्ड कमेटी भी लगातार जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने का काम कर रही है, जिला वक्फ बोर्ड चेयरमैन साबिर भाटी ने बताया कि अब तक हजारों लोगों तक राहत पहुंचाई जा चुकी है।
लॉकडाउन के बीच मजदूरों के पैदल पलायन को लेकर प्रदेश सरकार कई अहम कदम उठा चुकी है। सरकार की तरफ से जिला प्रशासन को निर्देश मिलने के बाद हाईवे पर दिखने वाले मजदूरों के लिए फौरन इंतजाम किए जा रहे हैं। दौसा में सब्जी मंडी में शर्तों की नहीं हो रही पालना, थोक व्यापारियों के सब्जी बेचने के दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना देखी गई, ना ही लोगों के मुंह पर मास्क नजर आए। ऐसे में ये लापरवाही दौसा जिले के लिए भारी पड़ सकती है। डूंगरपुर जिले में मेडिकल कॉलेज की लेबोरेटरी से सुबह आई रिपोर्ट में कोरोना विस्फोट हुआ। जिले में पहली बार कोरोना के 21 नए मामले सामने एक साथ आए। ये सभी लोग कल शुक्रवार को मुंबई से लौटे थे और क्वारंटीन सेंटर में इन्हें रखा गया था। कोरोना पॉजिटिव 63 साल के सूरजमल कुलवाल अपनी हिम्मत और हौसले के दम पर नेगेटिव होकर घर लौटे। सूरजमल हार्ट की समस्या के चलते फोर्टिस अस्पताल में इलाज के लिए गए थे, जहां कोरोना जांच के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर उन्हें एसएमएस रेफर किया गया। उदयपुर शहर के अंदर और पास के इलाकों में जिला प्रशासन ने कर्फ्यू लगा रखा है। शहर के अंदर और बाहर निकलने वाले अधिकांश रास्तों को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, शहर के अंदर की गलियों को भी बैरिकेड्स के जरिए बंद किया गया। बांसवाड़ा नगर परिषद के सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने एक और अच्छी पहल करते हुए चिकित्सा विभाग के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की है। सभापति त्रिवेदी ने चिकित्सा विभाग को 5 इंफ्रारेड थर्मामीटर भेंट किए। अभी बाहर के लोग शहर के अंदर आए, उसके बाद कुछ कोरोना के 2 नए पॉजिटिव केस आने के बाद नगर परिषद वापिस एक्शन मोड में आ गई है। हमने पूरे शहर को 5 जोन में बांट दिया और सभी नर्सिंग स्टाफ जो लगा हुआ है एनएम वगैरह और हमारा वार्ड पार्षद और हमारे सभी अधिकारी की ड्यूटी वार्डों में लगा दी है और हमने सबको इंफ्रारेड थर्मामीटर दे दिए। वागड़ के लोग विदेश में परेशान हो रहे हैं, कुवैत में फंसे यहां के लोग सरकार से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। पीएम और सीएम दोनों से वहां फंसे लोग मदद मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने से यहां पर काम नहीं है, अब तो पैसे भी नहीं बचे, जिससे खाने की परेशानियां हो रही हैं। कुवैत में फंसे लोगों ने कहा कि सरकार हमें वतन वापस लाए। प्रतापगढ़ जिले के सैकड़ों श्रमिक कुवैत में हैं और घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। श्रमिकों ने बताया कि उनके पास करीब 80 दिनों से रोजगार नहीं है, जो भी पैसा था वो खर्च हो गया और वे अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। 12 कैटरों में राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार क्वारंटीन सेंटर में भर्ती सब लोगों को छुट्टी दे दी गई है। एकलव्य छात्रावास में 81 और महाराणा प्रताप आवासीय विद्यालय में 97 लोगों को क्वारंटीन किया गया। टोंक के टोडा रायसिंह में कोरोना महामारी में गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए बोटुंदा ग्राम पंचायत के लोग। मिनेश संस्थान कुरासिया ग्राम बोटुंदा ने जन सहयोग से उपखंड अधिकारी को 31 क्विंटल गेहूं दान किए। बारा के सिसवाली इलाके में बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को सीधे जांच कर क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है। यहां सभी लोगों की स्क्रीनिंग की गई, प्रशासन और ग्रामीणों द्वारा रहने के इंतजाम किए। भारत से होकर गुजर रहे प्रवासी मजदूरों को स्वयंसेवी संस्था और लोग खाने आदि की व्यवस्था उनके लिए कर रहे हैं। स्वयंसेवकों ने ग्रामीणों के सहयोग से मार्गों पर पैदल और वाहनों से गुजर रहे सैकड़ों मजदूरों को रोज खाना खिलाकर रवाना किया जा रहा है। वहीं पेयजल आदि की भी व्यवस्था हो रही है। प्रदेश के 6 जिला अस्पतालों में कोरोना जांच लैब स्थापित करने के लिए 135 लाख रुपए प्रत्येक लैब के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इन 6 जिला चिकित्सालय में नागौर का जिला चिकित्सालय भी शामिल है। नागौर के सैंपल जांच जिला चिकित्सालय में ही किए जा सकेंगे। देसुरी में एसडीएम राजलक्ष्मी गहलोत ने विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत और अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना से उत्पन्न स्थिति और लॉकडाउन के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा की। पिसांगन उपखंड में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। पिसांगन थाना इलाके में भावता में एक और कोरोना पॉजिटिव सामने आने के साथ ही भावला में अब तक कुल 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। सीकर जिले के नीमका थाना में मेघवंश जागृति संस्थान की तरफ से विश्व परिवार दिवस पर रोजेदारों के लिए रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। संस्थान की तरफ से रोजेदारों के लिए घर घर जाकर खाद्य सामग्री के पैकेट बांटे गए। करौली में शहरवासी कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए संकट मोचन हनुमान की शरण में नजर आए। नगर परिक्रमा सेवा समिति द्वारा हुए आयोजन में शहरवासियों ने बैठा हनुमान मंदिर पर 108 हनुमान चालीसा पाठ का वाचन किया। कोटा दौसा मेगा हाईवे पर घाट का बराना के पास एक ढाबे पर ट्रक चालक ट्रक लेकर नौताड़ा पहुंच गया। रात को हाईवे पर ढाबे पर राशन सामग्री सप्लाई करने वाले वाहन चालक ने हमालों की मदद से ट्रक में भरे कट्टों में से गेहूं निकाला और दूसरे कट्टों में भर दिया।
बीजबायला में बस स्टैंड के नजदीक पिछले कुछ दिनों से जलदाय विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। जगह जगह पाइप लीकेज के चलते इस सड़क पर पानी बिखरा रहता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। अजमेर के पुष्कर में पश्चिम बंगाल के 70 से ज्यादा श्रमिक फंसे हुए हैं। इन श्रमिकों ने अपने स्तर पर अपने गृह राज्य जाने के लिए बसों का इंतजाम भी कर लिए, लेकिन दोनों राज्यों के बीच सामंजस्य नहीं बन पाने के चलते श्रमिक बदनसीबी की मार झेलने को मजबूर। जुगलपुरा पंचायत के गांव गढ़ी खानपुर में दो सगे भाई सीताराम और नंदलाल द्वारा पेश की जा रही है। दोनों भाई मुंबई से कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। काम बंद होने पर मुंबई से घर आए और घर के बाहर ही देसी अंदाज में तम्बू लगाकर अपने आप को आइसोलेट कर लिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे सुभाष भील ने खंडेला विधानसभा क्षेत्र के कोरोना प्रभावित गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में भी लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। राजस्थान प्रदेश जीप कार टैक्सी एकता यूनियन इस महामारी को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार से राहत देने की मांग कर रहा है। टैक्सी यूनियन के प्रदेश महामंत्री श्रीनाथ पाठक ने बताया कि उसके परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। प्रत्येक चालक को 10,000 मासिक देने और उनकी गाड़ियों की किस्त माफ करने की मांग। डूंगरपुर भाजपा ने जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर अभावग्रस्त लोगों को भी खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़कर राहत देने की मांग की। जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर ऐसे लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़कर उन्हें भी राहत देने की मांग की। बेंगलुरु से श्रमिकों को लेकर ट्रेन जोधपुर के लूणी जंक्शन पर पहुंची। ये ट्रेन बेंगलुरु से जोधपुर के भगत की कोठी तक चलाई गई। इनमें आज 46 प्रवासी श्रमिक लूणी स्टेशन पर उतरे। इन सभी प्रवासी मजदूरों को रेलवे सुरक्षा बल और राज्य रेलवे पुलिस की निगरानी में रखा गया। महाराष्ट्र के लातूर से आ रहे 41 लोगों को प्रतापगढ़ में राजपुरिया बॉर्डर पर रोका गया। ये सभी प्रतापगढ़ जिले के धरियावत के निवासी हैं। स्क्रीनिंग के बाद इन्हें धरियावत भेज दिया गया। प्रतापगढ़ जिले में जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने उपखंड अधिकारियों की बैठक ली और पालना करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाए। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि सड़कों पर पैदल यात्रा कर रहे प्रवासियों को बसों से उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाएं। अजमेर नगर निगम में 471 ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को 2,500 रुपए की सहायता राशि का वितरण किया जाने का काम शुरू कर दिया गया है। नकद राशि वितरण के दौरान नगर निगम द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। बांसवाड़ा थाना पुलिस ने नई पहल शुरू की है। पुलिस ने शहर के हर चौराहे हर चेक पोस्ट पर वागड़ी और हिंदी में पोस्टर और बैनर लगाए हैं, जिसमें लोगों को संक्रमण को लेकर संदेश दिया जा रहा है। कुछ लोग लापरवाही भी कर रहे हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने ये बैनर और पोस्ट लगाए। राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर और जयपुर के सभी न्यायाधीशों एडवोकेट जनरल असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक हुई। न्यायालयों के कार्यकारिणी की समय अवधि को बढ़ाते हुए सुबह 8:30 बजे से 12:30 बजे तक किया गया। कोरोना से पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग प्रभावित हुए हैं। पिछले 56 दिनों से देश में लॉकडाउन की स्थिति के चलते पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से ठप है। पर्यटन से जुड़े लोगों ने केंद्र और स्टेट सरकार से राहत पैकेज की मांग की है। साथ ही 65 साल से ज्यादा आयु के गाइडों के लिए सरकार से पेंशन सुविधा की भी मांग। घरसाना कस्बे में सामाजिक संस्था रोटी बैंक और राहत समूह कस्बे में घर घर राशन किट और रोटी के पैकेटों का वितरण हो रहा है। लॉकडाउन में बीमार व्यक्तियों को महानगरों जयपुर जोधपुर दिल्ली से मेडिसिन भी राहत समूह के संयोजक विजय मेणा निःशुल्क मंगवाकर बांट रहे। झुंझुनू में बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन मावंटिया के साथ सूरजगढ़ विधायक सुभाष पुनिया झुंझुनू के पचेरी स्थित क्वारंटीन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने हालत बद से बदतर पाया। केवल भोजन की व्यवस्था को छोड़कर सभी अव्यवस्थाएं। करौली में संविदा कर्मियों के मानदेय की वृद्धि, नर्सेस के पदनाम बदलने समेत 4 सूत्रीय मांगों के विरोध में नर्सेस कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नर्सिंग कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर चिकित्सालय में सेवा कार्य जारी रखा। मलाना डूंगर थाना इलाके के एक गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक किशोरी घर पर सो रही थी, तभी एक युवक पहुंचा और जबरन उसे उठाकर सुनसान इलाके में ले गया। वहां उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बारा के शाहबाद इलाके के हनोतिया अंतर्गत कोई बच्ची है, उसके साथ में उसका जो पड़ोसी खेत पे काम करने वाले युवक ने दुष्कर्म किया है, इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया गया। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत और कार्रवाई की जा रही है। उलझिन को डिटेन कर लिया गया है।
बारा के शाहबाद इलाके के हानोतिया के बाद हाईवे पर एक बाइक के अचानक गायब के आ जाने से हादसा हो गया। बाइक पर सवार मां बेटा घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से शाहबाद चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, उनका इलाज जारी। बारा के अट्टू में चोरों ने लॉकडाउन का फायदा उठाकर श्री लक्ष्मीनाथ जी मंदिर से मूर्तियां पार कर दी। सुबह आरती के लिए मंदिर खोलने पर चोरी की घटना का पता चला। मंदिर के पुजारी को पुलिस ने पूछताछ की, पुलिस ने मामला दर्ज किया। अजमेर के श्रीनगर इलाके में एक पैंथर लोगों के लिए आतंक का पर्याय बना हुआ है। आबादी इलाके के पास इस पैंथर की चहलकदमी ने लोगों को डरा दिया है। ये वीडियो इन दिनों अजमेर में खूब वायरल हो रहा है। मोनू ने इस बात की जानकारी प्रशासन को दी, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं ली। बाड़मेर शहर के 10 किलोमीटर दूर आंची गांव में पानी की काफी दिक्कत है। महिलाएं पानी के लिए रात भर अपनी बारी का इंतजार करती हैं। यहां पानी के लिए लंबी कतारें लगती है। पूरी रात इंतजार के बाद भी कभी कभी इनको एक घड़ा पानी नहीं मिल पाता। बाड़मेर जिले से ज्वालौर में टिड्डी दल ने हमला कर दिया। ये टिड्डी दल बाड़मेर जिले की सीमा से लगते इटादा, वमल, तातड़ा समेत कई गांव में आ घुसे। टिड्डियों का दल बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है और किसानों के खेतों में खड़ी बाजरा, रजका, ज्वार की फसलों को तबाह कर रहा है। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में 3 दिन पहले कुएं में मिले युवक के शव के मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पत्नी ने ही प्रेम संबंध में आड़े आ रहे पति की हत्या कराई थी। पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी सूरजाबाई को गिरफ्तार किया। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती पूरी दुनिया जानती है। भारत अमेरिका के रिश्ते अब तक के सबसे बेहतरीन दौर में हैं। ऐसे में महामारी कोरोना के खिलाफ भी दोनों देश मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। पीएम मोदी की मदद का कर्ज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को वेंटिलेटर देकर उतारने वाले हैं। साथ ही ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि दोनों देश मिलकर कोरोना के खिलाफ वैक्सीन भी बना रहे हैं। मोदी ट्रंप की दोस्ती का कोरोना अध्याय। भारत अमेरिका साथ कोरोना का होगा नाश। सच्चा दोस्त वही जो हर सुख में साथ दे, हर दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। भारत अमेरिका की दोस्ती अब ऐसे ही आयाम पर है। दो महाशक्तियां, दो सुपर लीडर कोरोना महामारी के दौर में भी एक साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर महामारी को हराने में लगे हैं। अमेरिका भारत का शुक्रगुजार है, पीएम मोदी का मुरीद बन चुका है और इस संकट की घड़ी में मोदी ट्रंप की दोस्ती अब नए आयाम पर पहुंच गई है। पहले भारत ने जरूरत के वक्त अमेरिका को दवा देकर दोस्ती निभाई थी, अब अमेरिका ने महामारी से युद्ध के लिए बेहद जरूरी वेंटिलेटर देने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे सच्चा दोस्त बताते हुए कहा कि अमेरिका वेंटिलेटर भेजकर दोस्ती का कर्ज चुकाने जा रहा है। We're sending a lot of ventilators to India. I spoke to Prime Minister Modi and we're sending quite a few ventilators to India. We have a tremendous supply of ventilators. ट्रंप ने ऐलान किया कि वो इस मुश्किल समय में भारत को वेंटिलेटर देंगे, वो वेंटिलेटर जिनकी इस कोरोना काल में हर देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। हालांकि अमेरिका भारत को कितने वेंटिलेटर देगा, इसका खुलासा ट्रंप ने नहीं किया। ट्रंप का ये फैसला भारत की उस मदद के बाद आया है जब भारत ने अमेरिका को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की सप्लाई भेजी थी। खुद ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन कर दवा देने की गुहार लगाई थी। उस वक्त इस दवा के एक्सपोर्ट पर भारत ने रोक लगा रखी थी, लेकिन मानवता के नाते बैन हटवाकर भारत सरकार ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की बड़ी खेप अमेरिका को भेजी थी। अमेरिका को भारत का ये एहसान बखूबी याद है, इसलिए ट्रंप ने वेंटिलेटर देने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया के सामने बताया कि पीएम मोदी और उनकी दोस्ती कितनी गहरी है। साथ ही ये पैगाम भी दे डाला कि भारत और अमेरिका मिलकर कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगे हैं। India has been so great and as you know your prime minister has been a very good friend of mine. I just got back a short while ago from India recently and we're working very much with India too and we have a tremendous Indian population in the United States and many of the people that you're talking about are working on the vaccine too. Great scientists and researchers. Yeah, we're working very closely also with India, correct? And say hello to your prime minister. कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए अमेरिका और भारत में लगातार काम हो रहा है और ट्रंप
इस सबसे बड़े मिशन में भी भारत के साथ काम कर रहे हैं। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि इस साल के अंत तक ये वैक्सीन तैयार हो जाएगी। पहले भी कोरोना के इस दौर में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हो चुकी है, जहां दोनों नेता एक साथ मिलकर कोरोना को हराने पर विचार करते रहे हैं। मोदी ट्रंप की यारी किसी से छिपी नहीं है। पूरी दुनिया ने भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति की दोस्ती हर मौके पर देखी है। यही वजह है कि ट्रंप ने ट्वीट किया जिसमें कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर अदृश्य दुश्मन को हराएंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अमेरिका ने भारत से दोस्ती का जिक्र किया हो। ट्रंप हर मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ने से नहीं चूकते हैं। इससे पहले तो ट्रंप ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान बताया और एक बार फिर ट्वीट के जरिए पीएम मोदी की तारीफ की। हिंदुस्तान इस मुश्किल दौर में भी विश्व गुरु की भूमिका अदा करता दिखाई दे रहा है, जिसके लिए अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया पीएम मोदी की बार बार तारीफ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहते हैं ना, दोस्त वही होता है जो संकट में काम आता है। भारत ने भी ऐसी ही मदद अमेरिका की थी। जब जरूरत के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने दवाई अमेरिका में पहुंचाई थी। ट्रंप का कदम भी उसी दरियादिली का जवाब है। तब भी ट्रंप ने पीएम मोदी को शुक्रिया कहा था। भारत विश्व की अगुवाई करने का सिर्फ दावा नहीं करता बल्कि अगुवाई भी करता है। इसका उदाहरण भारत ने कोरोना संकट के दौर में दिया है। जब हर देश अपनी परेशानियों से जूझ रहा है, ऐसे में भारत ने दुनिया की मदद के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए हैं। दरअसल कोविड-19 के खिलाफ जंग में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की दवा संजीवनी की तरह है। दुनिया का तकरीबन हर प्रभावित देश भारत से ये दवाई मांग रहा है। इस मुश्किल समय में जब हर देश अपने यहाँ दवाइयों के निर्यात पर पाबंदी लगा रहा है, भारत मानवता के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहा है। 3 गुना से ज्यादा टैबलेट देश के पास आज डोमेस्टिक यूज के लिए अवेलेबल हैं। इसके साथ ही एडिशनल रिक्वायरमेंट अगर हम मंथ एंड तक प्रोजेक्ट करें तो उसमें करीब 1.6 करोड़ टैबलेट की अगर जरूरत होती है तो 3.28 करोड़ तो हमारे पास ऑलरेडी आज अवेलेबल है, जो कि हमारी मंथ एंड की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगी। उसके अलावा भी 2 से 3 करोड़ एडिशनल सप्लाई का टाई अप करके देश के लेवल पर रखा गया है। भारत कई देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन निर्यात कर चुका है। इनमें महत्वपूर्ण नाम है अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, बहरीन, ब्राजील, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, मॉरिशस। मलेरिया की दवा मिलने के बाद पूरी दुनिया में भारत की जय हो रही है। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने कहा, भारत ने ठीक वैसी ही मदद की है जैसा हनुमान जी ने लक्ष्मण की जान बचाने के लिए संजीवनी लाकर किया था। इन देशों को दवा निर्यात करने के बाद भी भारत में जरूरत के मुताबिक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट हैं। हालांकि आपको यह भी समझना होगा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की टैबलेट कैसे संजीवनी है। दरअसल कोरोना मरीजों पर तरह तरह की दवाओं को लेकर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। इन्हीं दवाओं में से एक है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एक ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल मलेरिया की बीमारी के लिए किया जाता है। इसके अलावा आर्थराइटिस की बीमारी और इम्यून डिसऑर्डर जैसी बीमारी में भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा दी जाती है। ये दवाई जो है बहुत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन एक ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी भी बन सकती है। तो अगर माइल्ड या मॉडरेट टू सीवियर इलनेस वाले पेशेंट जो एडमिटेड हैं ICU में हैं, हॉस्पिटल में हैं, जो लिटिल मतलब थोड़ा बहुत जो डेटा आया है उसमें भी ये सजेशन है कि शायद ये दवाई ट्रीटमेंट के काम भी आए। मुश्किल वक्त में भारत ने हमेशा से उन देशों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है जिन्होंने भारत से मदद मांगी है। अब कोरोना के संकट काल में अमेरिका जैसा शक्तिशाली राष्ट्र भी दवा के लिए भारत के सामने हाथ फैलाए खड़ा था तो भला भारत मदद से कैसे इनकार कर सकता था। और एक बार फिर भारत ने अपनी मानवतावादी छवि को बरकरार रखकर वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच की दोस्ती ही है जो आज दोनों देश इस मुश्किल वक्त में एक साथ खड़े हैं। दोनों नेताओं की दोस्ती की कई यादगार तस्वीरें बार बार नजर आती रही हैं। ये
ये कहानी है दो दोस्तों की, दो ऐसे दोस्त जो महान लोकतंत्र के ध्वजवाहक हैं, जो एक दूसरे का बेहद सम्मान करते हैं। He's the father of India. We'll call him the father of India. I think that's not so bad. But he brought things together, and you don't hear that anymore. So I think he's done a fantastic job. जो एक दूसरे की खूब तारीफ करते हैं। I think that what the event showed is how much I like the country of India, and how much I like your prime minister. There was tremendous spirit in that room too. And